तो देखो भाई लोग, मुझको तो यार रोमन रेंस का स्पीयर सबसे ज्यादा बेस्ट लगता है, लेकिन अमन जिद करने लगा कि भाई आज तो देखना पड़ेगा कि किसका स्पीयर बेस्ट है, और इसी को लेके हम लोग वीडियो बनाएंगे। स्पीयर 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 स्पीयर, आज तो भाई लोग अटैक में भी स्पीयर, डिफेंस में भी स्पीयर, हर जगह से स्पीयर ही चलने वाला है। तो भाई लोग, मैं तो इस मैच में सपोर्ट कर रहा हूँ बाकी चारों को, रोमन को छोड़ के। और भाई मैं किसको सपोर्ट करूंगा, सारी पब्लिक जानती भाई, मेरा श्राप है तेरे को, रोमन सबसे पहले एलिमिनेट होगा। रोमो तेरे मुंह में नमक 1 किलो वाला। देखो मेरे को रोमन से ऐसे कोई हेट नहीं है, पर उमंग से ज्यादा हेट है। तो ठीक है, उमंग से कोई हेट नहीं, कॉम्पिटिशन है रोमो रॉक्स। तो बाकी मैं चारों के साथ हूँ भाई, चारों पट्टे पहलवान तेल वेल लगा लो। ठीक है, मैच को स्टार्ट करने वाले, पर उससे पहले यार मैच स्टार्ट होने से पहले आप लोग लाइक वाइक कर दो यार वीडियो को। और इस वीडियो का लाइक टारगेट है भाई 500 लाइक करो, और शाम में हम लोग स्ट्रीम भी करेंगे तो स्ट्रीम भी देखने आना भाई। हर वीडियो का लाइक टारगेट तो हम लोग 500 ही रखते हैं यार, मैच को चलो स्टार्ट ही करते हैं, पर लाइक टारगेट टारगेट अपने दिमाग में रखना रोमन। ठीक है, सबको एक्नॉलेज करो रोमन को, सबको ही करेगा एक्नॉलेज। कितने बंदे हैं, 1 2 3 4, चारों एक्नॉलेज करेंगे भाई रोमन रेंस को। और भाई लोग, कहानी में मैं जो ट्विस्ट हमने पैदा किया है वो मैं तुम लोगों को बता देता हूँ। सभी लोगों का जो फिनिशर है ना, सबको चेंज करके सबको स्पीयर दे दिया। और ये मैच है नॉकआउट एलिमिनेशन मैच। हाँ, ये नॉकआउट एलिमिनेशन मैच है, और सभी बंदों का फिनिशर चेंज करके इनके जो सिग्नेचर में स्पीयर है वो दे दिया। तो भाई अब हर जगह से स्पीयर ही चलेगा। 3 2 1 स्पीयर। बॉबी लैशली का सबसे पहले कनेक्ट हुआ है, और वो भी रोमन रेंस को। तो आई थिंक कि मेरा श्राप पूरा होने वाला है। ये बॉबी लैशली तुमको और कोई मिला नहीं है, रोमू को मार दिया स्पीयर भाई। रोमन रेंस तो स्पीयर खा रहा, और कोई स्पीयर नहीं खाया अभी तक। एज पीछे और बटिस्टा पीछे पड़ गया एज के। सबके पास फिनिशर है, एक एक फिनिशर मैंने सबको प्रोवाइड करके रखा हुआ है। इतना गैपिंग इतना कम हो गया ना कि दौड़ने का किसी को मौका नहीं मिल रहा है। और बटिस्टा के स्पीयर पड़ चुका है एज को छोटे। और भाई साहब, रोमन बेचारा स्पीयर मारने के चक्कर में था अभी तक, बॉबी लैशली और एज का स्पीयर लगा है। रोमन बेचारा ट्राई कर रहा है गोलबर्ग। अरे आप बचा लिए, बचा लिए, रोमन बचा लिए। गोलबर्ग भी गुड ट्राई, गोलबर्ग सर गुड ट्राई भाई। रोमो एलिमिनेट कर सबको ही को, कम ऑन रोमो, यू कैन डू इट मैन। गोलबर्ग और रोमन रेंस का अभी तक ट्राई जो है वो फेल हो चुका है, और बाकी एज और किसका, बॉबी लैशली का स्पीयर नहीं, बटिस्टा और बॉबी लैशली का स्पीयर पड़ चुका है। देखते क्या होता है, नॉकआउट मैच है, कोई भी शॉट से जा। मेरा श्राप, मेरा काला जबान है तेरे को भाई, सबसे पहले रोमो जाए। तेरे मुंह पे नमक, तेरे मुंह पे नमक। हाँ तो नमक मिला, और रोमन को भेज। कमॉन गोलबर्ग को एलिमिनेट कर दे यार रोमन, कमॉन। ओ भाई सब स्टन होके गोलबर्ग जा चुका है। ऐसे स्टन होना इस मैच में फायदे का ही है, क्योंकि अगर स्टन होके चला जाएगा तो वो नॉकआउट होने से बच सकता है, एनर्जी बहुत बच जाएगी। स्पीयर दे दिया यार रोमन। किसको स्पीयर पड़ी, रोमन को। एक और स्पीयर, अच्छा एक और स्पीयर है ही नहीं भाई। सब पागल रोमन से जलते हैं, सब रोमन से जलते हैं, सच्ची बता रहा हूं। अच्छा एज डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है कि रोमन को कहां फेंके। अरे बचा लेगा रोमन, ये बचा लिया। हाँ। मैं बोला ना इसको, ये बचा लेगा। और ये बटिस्टा बॉबी लैशली के साथ खेल कर रहा है, सबसे पहले सुपरमैन पंच बचा लिया। मतलब एज के पास सिग्नेचर आ गया होगा। हाँ एज के पास सिग्नेचर और फिनिशर दोनों आ चुका है। गोल देख, ये चीटिंग हो रहा है, ग्रुप बना के मार रहा है रोमन रेंस को सबको। भाई सबसे पहले मेरा शार्प कंप्लीट करो तुम लोग, उसके बाद जिसको जिसको लड़ना है, मरना है, जो करना है कर लो। रोमन स्टन होके नीचे आ चुका है, पर पहले मेरा पूरा नहीं, पर पहले मेरा शार्प कंप्लीट करो। पूरे भाई साहब, बटिस्टा का भी स्पीयर लग चुका है बॉबी लैशली को। एनर्जी सबसे कम किसकी है, रोमन का एनर्जी सबसे कम है, सब उसका बॉबी लैशली की। चलो ठीक है, तो भाई लोग आप लोग कमेंट जरूर बताइए कि आपको सबसे अच्छा स्पीयर किसका लगता है भाई, किसका लगता है स्पीयर सबसे ज्यादा। और मेरे को पता है कि 80% कमेंट रोमन एक्स का ही आएगा, वो मेरे को पता ही है। I love it bro, I love it. तो नेक्स्ट, अच्छा ये कमेंट करके बताओ, वो तो ऑब्वियस सा कमेंट है कि किसका सबसे ज्यादा पसंद है। ये कमेंट करके बताओ कि नेक्स्ट स्पीयर किसका लगेगा इसके बाद। अरे फिनिशर दे रहा था, कोई आगे बढ़ा करके देखेगा नहीं। ओ ये बटिस्टा का बचा लिया स्पीयर गोलबर्ग सर ने। अब गोलबर्ग सर खुद के स्पीयर लगाने का ट्राई करेंगे आई थिंक, और ये लगा दिया बटिस्टा को भाई, पर बटिस्टा बच चुका है। रोमन गया भाई साहब, काली जबान ओपी, काली जबान ओपी, बहुत बड़ा काली जबान भाई, पावर भाई, पावर ऑफ दी काली जबान ओपी द चैट। मजा आया भाई, रोमन एलिमिनेट हो गया, अब कोई भी चीज मेरे को फर्क नहीं पड़ता। चल मैं सट्टा लगाऊंगा एज के ऊपर। आई थिंक मैं पर्सनल फेवरेट नहीं, मैं मेरा भी पर्सनल फेवरेट एज। नहीं नहीं तू बोला कोई भी, मैं सट्टा लगाऊंगा एज के ऊपर। वैसे भी तुम्हारा रोमन एक जा चुका है, तो तुम किसी के ऊपर सट्टा लगाओ कोई फायदा नहीं है। बटिस्टा भी चला गया, अरे भाई हम लोग देख ही नहीं रहे, बटिस्टा भी जा चुका है, क्या कर रहे हो। एज बॉबी और गोलबर्ग बाकी है, अब बेचारा रोमन एक छूट के जा रहा है। जाओ भाई ट्राइबल चीफ, अरे रोमन थक गया है, लाइव स्ट्रीम द टेबल ट्राइबल चीफ टाटा, लाइव स्ट्रीम में परफॉर्म करके रोमन थक चुका है। तो भाई साहब चलो, इसलिए बच्चा लोग को जीतने दे। कितने लोग बाकी है, गोलबर्ग सर बाकी है, बॉबी लैशली बाकी है, और एज बाकी है। चलो ठीक है भाई, एज बॉबी लैशली का सबसे ज्यादा एनर्जी है यहाँ पर, बॉबी लैशली जीत के ना चला है।
एज भी जा सकता है, इसका बहुत एज के बाद स्पीयर है पर एनर्जी उसका सबसे कम है। एज के पास भले ही स्पीयर है पर एनर्जी उसका सबसे कम है। गोलबर्ग सर ने बोल दिया कि मैं तुमको माने नहीं दूंगा, मैं लगाऊंगा स्पीयर। गोलबर्ग के पास सिग्नेचर आ चुका है जो कि उसका स्पीयर ही आई थिंक। हाँ सिग्नेचर में गोलबर्ग का स्पीयर ही। एजो मैटिक्स लगा चुका है ये, पर कोई फायदा नहीं होना है एजो मैटिक्स से तो नॉकआउट होने से रहा। अच्छा यार तुम लोग कमेंट करके बताओगे क्या जो गिने चुने हुए लोग हो रोमन एलिमिनेट हुआ कैसा लगा भाई? बहुत खराब और गंदा भैया। अरे तुम लोग इन लोगों को बोल रहे थे ना भाई, इन लोगों को भी भाई हाथ लगा सबको। रोमन एलिमिनेट हुआ तुम लोगों को कैसा लगा मेरे को कमेंट करके बताओ प्लीज। गोलबर्ग अंदर ले गया पॉपुलेशन को, अब देखते हैं स्पीयर दिया तो एलिमिनेट हो सकता है। अरे अच्छा गोलबर्ग के पास स्पीयर है भी। अरे कॉर्नर से दे रहा है, कॉर्नर से दे रहा, पर अरे भाई साहब एज भाई बेटर टाइमिंग, बेटर टाइमिंग। चलो ठीक है एज इंटरप्ट करके खुद स्पीयर लगा दिया, गुड टाइमिंग। एज बोला नहीं मेरे शिकार को कोई हाथ नहीं लगा। अच्छा एज के पास फिर से सिग्नेचर आ चुका है और ऑलमोस्ट ही फिनिशर आ चुका है एज के पास। बॉबी लेसली के पास क्या है? बॉबी लेसली के पास सिग्नेचर आने वाला है, बचा लिया। बॉबी लेसली सबसे खत्म एनर्जी, गोलबर्ग का सबसे कम। चल बॉबी लेसली, चलो बॉबी लेसली इक्वेशन से आउट हो चुका है और अभी दो पट्टों के बीच में फाइट होनी बाकी रह गई है। इट्स गोलबर्ग वर्सेस एज द रेटेड आर सुपरस्टार। भाई कॉर्नर फिनिशर अभी तो नहीं लगा पाएगा, अब लगाएगा। अब जाओ भाई कॉर्नर, हां कॉर्नर सिग्नेचर के लिए जा सकता है, सकते हैं गोलबर्ग सर। जाओ सर गोलबर्ग, लेट्स गो फॉर कॉर्नर सिग्नेचर। बहुत तगड़ा लगता है मेरे को गोलबर्ग का जो कॉर्नर स्पीयर है ना, वो देखने में बहुत तगड़ा भाई लगता है। ईस्ट ऑफ वेस्ट रोमो इज बेस्ट। वो जा चुका है टाटा, कोई बात नहीं बच्चा समझ के चला। टाटा टाटा हेड ऑफ द टेबल। लो भाई कॉर्नर स्पीयर लगाने की, अगर ये कनेक्ट हो गया तो एज चला जाएगा आई थिंक। बहुत एनर्जी कम हो गई, अगर ये कनेक्ट हो गया तो बचा लिया। चलो भाई अब वन ऑन वन मैच है एज और गोलबर्ग के बीच में, और जैसी एज की हेल्थ चल रही है ना सुपलेक्स या ग्रैपल में ही एज चला गया, और गोलबर्ग सर के पास स्पीयर भी है। स्पीयर भाई, अरे बच गया। अरे अब तो एज के तरफ मैच, अब एज की तरफ 100% मैच है, क्योंकि अगर स्पीयर से नहीं गया तो वो आलतू फालतू शॉट से भी नहीं जाएगा भाई। इसकी तो सवाल ही नहीं होता। अच्छी है यार, बच गया गोलबर्ग यार। गोलबर्ग सर प्लीज सर जी जाओ यार। अच्छा कोई भी जीते मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, हेड ऑफ द टेबल जा चुका है। अरे जलन कुत्ते हेड ऑफ द स्पीयर, स्पीयर भाई। अरे गोलबर्ग सर, अरे गोलबर्ग का तो एनर्जी बहुत ज्यादा है। अच्छा गोलबर्ग मार ही नहीं खाया ना, कोई मार नहीं खाया भाई पूरे मैच में, गोलबर्ग मार नहीं खाया। अरे भाई साहब एज के लिए बहुत बड़ी डिसएडवांटेज हो चुकी है, क्योंकि एज का एनर्जी ऑलमोस्ट ओवर पे, ऑलमोस्ट ओवर पे। अगर सिग्नेचर या फिनिशर अपना जल्दी लेते आया तो जीत सकता है। चलो सिग्नेचर लगा चुका है, इससे हेल्थ काफी ज्यादा नुकसान हो जाएगा। कहां लगाया भाई सबमिशन, मतलब सबमिशन, सॉरी सिग्नेचर नहीं, सबमिशन लगा चुका है। खुशी में बावला हो गया, काफी ज्यादा नुकसान हो चुका हो जाएगा। अमन खुशी में बावला हुई है, बावला ओपी इन द चैट भाई। एज के पास फिनिशर आने वाला है। सिग्नेचर और फिनिशर आने वाला है, पहले फिनिशर आएगा। चलो फिनिशर आ गया, बेज के पास भी स्पीयर देने का मौका है। एसएल लेट्स गो फॉर स्पीयर। कनेक्ट किया तो गोलबर्ग गया, नहीं अभी तो कनेक्ट नहीं किया फिलहाल। गोलबर्ग को जितना मौका मिलेगा ना, अगर गोलबर्ग के पास भी स्पीयर आ गया तो कॉर्नर भाई साहब, स्पीयर के लिए जा रहा है एज। कॉर्नर फिनिशर, गोलबर्ग को बचाना होगा भाई साहब। एलिमिनेटेड, रेडेड आवर सुपरस्टार इज द विनर। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि एज का स्पीयर सबसे ज्यादा अच्छा है। एज का स्पीयर सबसे ज्यादा अच्छा है, इसलिए वो आज स्पीयर के बंदों में जीत गया। अमन इस स्टेटमेंट में मेरा एक ही डायलॉग है, हां बोल आज ही घंटा। हां तो जो घंटा पोल खंभा जो भी करना है करते रहो, पर हियर इज अ विनर द रेटेड आर सुपरस्टार एज। देख बच्चा समझ के जीतने दे दिया समझा, सीनियर है इसलिए जीतने दे दिया समझा। सीनियर की रिस्पेक्ट करो, क्योंकि एक्सपीरियंस ज्यादा स्पीयर देने का एज। तुम लाइव स्ट्रीम में मिलना हमको समझा। चलो ठीक है, लाइव स्ट्रीम जीत चुका है भाई लोग, तुम लोगों के सामने रिजल्ट जैसे तुम लोग देख रहे हो। तो वीडियो को यार यहीं पर खत्म करते हैं, और जिन्हें पता नहीं उन्हें हम बताना चाहते हैं कि हम लोग लाइव स्ट्रीम भी करते हैं यार। चैनल पे चेक करो यार, रखा हुआ है। अगर तुम लोग इस वीडियो के थ्रू नए चैनल पे आए हो तो देखो जाकर के यार, हम लोग लाइव स्ट्रीम भी करते हैं सालाना, रोज सालाना करते हैं, रोज सालाना करते हैं, रोज पब्लिक सोची की साल में एक बार करते सालाना, इसलिए तो बोल दिया सालाना रोज करते हैं हम लोग लाइव स्ट्रीम। तो यार वीडियो को लाइक और शेयर करो और स्ट्रीम का वेट करो, रोज शाम में अराउंड 7-8 बजे स्ट्रीम चालू हो जाती है। और भाई अगर 500 लाइक नहीं हुआ, रॉटर फैमिली जो सुन रहा है, नहीं हुआ कसम से रो देंगे। और 500 लाइक से याद आया यार, हम लोग आजकल वीडियो में भी बहुत ज्यादा अपडेटेड रहने लगे, तो अपडेट चैनल पे 5-6 नई नई वीडियोस आ चुकी है। प्यार दो, लाइक करो, शेयर करो, जो करना है करो, लाइक ठोको, शेयर फेंको, जो करना करो, पर वीडियो चलाओ।
वीडियो नहीं चला ना, बनाना छोड़ देंगे, फिर बोलना मत क्यों नहीं बना रहे, फिर बोलना मत यार वीडियो क्यों नहीं आ रही चैनल पर। तो अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करो, थैंक यू एंड गुड बाय। चलो भाई लोग मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो या फिर स्ट्रीम में। चलो यार ख्याल रखो अपना, गुड बाय।